मंच पर उपस्थित श्री जितेंद्र कुमार जी, ग्रामोद्योग संघ के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट श्री विजय श्रीवास्तव जी, श्रीमान भैरव जी, श्री एस पी मिश्रा, श्री लाड़े, श्री एल के शर्मा, उपस्थित सभी भाई बहने, पत्रकार भाई, और विशेष रूप से मैं ग्रामोद्योग संघ को बधाई दूंगा कि आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला, इसको देखने का मौका मिला। बहुत पुरानी संस्था है, करीब आज 1956 में इसकी स्थापना हुई है, और समय के अनुसार जो जो बदल होने चाहिए वो नहीं हो पाए, और जिसके कारण जिस प्रकार से खुर्जा की प्रगति हुई है, जहाँ 60-70 इंडस्ट्रीज तैयार है, उतना यहाँ कुछ हो नहीं पाया। फिर भी इस कला को जिंदा रखने का काम ग्रामोद्योग संघ ने किया है। मुझे याद है क्योंकि मैं यहाँ अनेक बार आया हूँ, एक बार डॉक्टर पद्मावर जी का मैंने मुकाम किया था तो आवाज़ आता था, उनका घर यही के बाजू में था, तो तब मुझे पता था कि ये कारखाना के बारे में तब थोड़ी बहुत जानकारी मिली। मैं चाहता हूँ कि इसका विकास हो और चंद्रपुर गढ़चिरौली जिले के गांव के क्षेत्रों में जो हमारे जवान लोग हैं, भाई हैं, बहनें हैं, उनको रोज़गार मिले और रोज़गार ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में निर्माण करना, ये हमारी प्रायोरिटी है। और इसलिए स्फूर्ति के इसमें करीब 1,80,00,000 रुपए मंजूर हुए हैं और आने वाले एक साल में ये काम पूरा होगा। पर मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ट्रेनिंग एंड रिसर्च और ये जो रेड क्ले पॉटरी है जिसको टेराकोटा ही कहते हैं, तो इसका दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का पहला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस अब भद्रावती में शुरू होगा, इसी में देखना। और इस काम के लिए और एडिशनल 10 करोड़ रुपए भारत सरकार की ओर से हम इसके लिए देंगे, और अपेक्षा यही है कि अलग अलग डिज़ाइन पर अच्छा काम हो। और जैसे शर्मा जी ने कहा है, ये प्रोडक्ट्स फिर इसके बाद जो लोग ट्रेनिंग लेंगे वो अपने गांव में जाकर अपना उद्योग शुरू करें और खुद का रोज़गार हासिल करें। शर्मा जी ने ये भी कहा है कि जो एक्सपोर्ट होता है खुर्जा से, वो 10% एक्सपोर्ट हम भद्रावती से भी करने के लिए कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि अब इसका, इस सेक्टर का विकास करने की योजना का शुभारंभ हुआ है। मैं हृदय से भद्रावती के सभी नागरिक भाई और बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा, और वर्ल्ड का ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो पहला है दुनिया का, जो रेड क्ले पॉटरी टेराकोटा वाला, जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे, अब उसका यहाँ जब निर्माण होगा तो भद्रावती का नाम दुनिया के नक्शे पर जाएगा, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं हमारे मिनिस्ट्री की ओर से इसके लिए पूरा सहयोग मिलेगा। मुझे याद है हंसराज अहीर जब यहाँ के सांसद थे तो यहाँ के अध्यक्ष को लेकर मेरे पास आए थे, उन्होंने इसकी मांग भी की थी और उसी समय इस काम के लिए शुरुआत भी की थी। अभी जो सांसद है वो भी मेरे पास आए थे, उनका भी सहयोग उसमें लेगा। MLA जो है, लोक प्रतिनिधि है, आप सबका सहयोग इसमें चाहिए, और आप सबके सहयोग से वर्ल्ड के मैप पर भद्रावती जाए और ये सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर ट्रेनिंग रिसर्च और रेड क्ले पॉटरी, ये ग्रामोद्योग संघ का भी नाम भद्रावती का बहुत आगे जाएगा। खादी ग्रामोद्योग और मेरे विभाग की ओर से इसमें अलग अलग डिज़ाइंस में और बाकी कामों में पूरा सहयोग मिलेगा। केवल एक ही आखिर में मैं अनुरोध करूँगा कि ये सब करने के बाद इसका मूल्यांकन तभी होगा कि यहाँ सीखने के बाद कितने लोगों को रोज़गार मिला, और वो बात को सामने रखते हुए
ये करिए। यहाँ हॉस्टल भी बनाने की बात मैंने शर्मा जी को कही है कि हमारे बाहर से आए हुए लोग अच्छी तरह रख सके, ये बिल्डिंग अच्छे बने, इसका मास्टर प्लान करने के लिए मैंने कहा है कि ऐसा ना हो कि बार बार हम तोड़ते रहे और काम करते रहे। एक बार सोच कर ये 8 एकड़ जगह है, इसका अच्छा मास्टर प्लान भी बनाएं ताकि वर्ल्ड स्टैंडर्ड का ये सेंटर आपको बनाना है। मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि निश्चित रूप से इस कार्य का शुभारंभ हुआ है, इसका मुझे भी समाधान है। ये काम करने वाले जो कारागिर हमारी बहनें हैं, भाई हैं, उनको भी हृदय से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और ये पूरे ट्रेनिंग का वो फ़ायदा लें और अपने जीवन में अपने हाथ अपने पैरों पर खड़े हों, यही उनकी शुभकामना देते हुए अपने बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।